हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ईएसआई अस्पताल बीमार, कैसे हो उपचार? कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय में चिकित्सक अवकाश पर, उपचार फिट सिक और रेफर के लिए भटकने को विवश हो रहे हैं श्रमिक। रिको चेक पोस्ट के पास स्थित कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय में चिकित्सक की गैर मौजूदगी श्रमिकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। श्रमिक उपचार फिट सिक लीव और रेफर के लिए भटकने को विवश हैं। ऐसे में उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने वाले श्रमिक के लिए राज्य सरकार की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय की सुविधा मयस्सर करवाई गई है, लेकिन बीते 10 दिनों से कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय का एकमात्र चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ अवकाश पर है। ऐसे में उपचार के लिए चिकित्सालय पहुँच रहे औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों को भारी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। किसी बीमारी की वजह से अवकाश पर गए श्रमिक फिट लेने के लिए भटक रहे हैं, वहीं बीमार श्रमिक उपचार के साथ सिक लीव के लिए चप्पल घिस रहे हैं। कई मरीज दवाइयां व रेफर के लिए चिकित्सालय के धक्के खाने को भी विवश हैं। मौके पर मौजूद कार्मिकों की ओर से चिकित्सक के अवकाश पर होने का हवाला दिया जा रहा है। समय पर फिटनेस नहीं मिल पाने से श्रमिक ड्यूटी पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीमार श्रमिकों को उपचार व सिक नहीं मिलने से उनकी जान पर बनाई है, लेकिन विभाग को मानो इससे तो कोई सरोकार ही नहीं है। 10 दिन बीतने के बावजूद विभागीय अधिकारियों ने चिकित्सालय में चिकित्सक लगाने की जहमत नहीं उठाई है। फिलहाल अधिकारियों की लापरवाही का दंश श्रमिक भुगत रहे हैं। समय पर उपचार नहीं मिलने व स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि श्रमिकों के हितों का ढिंढोरा पीटने वाली राज्य सरकार व विभागीय अधिकारी चिकित्सालय में कब चिकित्सक की सुविधा मुहैया करवाते हैं। आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।